All right, welcome back to the channel and this is study MCQs एंड इसमें आपसे पूछा जा रहा है इनमें से, इन से वो कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है एच सी एल याद रखिये वो सोल्यूशन है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं While,

फ्रॉम सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं हो सकता लिक्विड सोडियम क्लोराइड भी नहीं हो सकता मोल्टोडियम क्लोराइड ये मैंने एक वीडियो में कॉन्टेंट भी कवर किया है जिसमें मैंने बताया कि हम सोडियम क्लोराइड में से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इसमें से पास करने का मैकेनिज्म क्या होता है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि सोडियम क्लोराइड में से करंट हम कैसे पास करेंगे तो याद रखे सॉलिड या लिक्विड सोडियम क्लोराइड में से करंट पास नहीं हो सकता इसके लिए लाजमी है कि हम उसे मोल्टन कंडीशन में रखें अब क्वेश्चन है कि मोल्टन क्या कहलाता है तो मोल्टन कहते हैं कि हम इस सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं हायर टेम्परेचर के ऊपर प्योर वाटर कैन कंडक्ट करंट ओनली वैन प्योर वाटर जो है वो पानी में, को पानी के अंदर से यानी कि प्योर पानी में से हम अगर करंट को गुजारना चाहें तो ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है या दो कंडीशन में पॉसिबल है वो क्या या तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करोगे यानी उस प्योर वाटर के अंदर एक या दो ड्रॉप जो है वो एसिड के डालो अगर आपके पास एसिड नहीं है तो आप बेस इनपुट करोगे सो so, दोनों ऑप्शन जो है वो सही है फ्यू ड्रॉप एसिड्स आर एडेड ताकि करंट पास हो सके अगर आपके पास एसिड नहीं है तो आप बेस पे डालेंगे तो दोनों बातें सही है दोनों ही कंडीशन के अंदर से करंट जो है वो

तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम्स पर कूलम्स जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो द ऑब्जेक्ट हो इज टू बी कोटेड वो ऑब्जेक्ट जिसे हम कोट कर रहे हैं विच इज टू बी कोटेड जिसपे कोटिंग करनी है वो कैथोड पे लगाते हैं और जो सब्सटेंस कोट किया जा रहा है लाइक हम मेक्यूरी सॉरी लाइक हम सिल्वर कर रहे हैं गोल्ड कर रहे हैं या हम जो है कोई और मेटल प्लेट कर रहे हैं कॉपर या जिंक भी हो सकता है तो वो हम एनोट पर रखेंगे जो चीज प्लेट कर रहे हैं वो अनोट पर होगा और जिस चीज पर कुछ प्लेटिंग की जा रही है वो कैथोड पर रखेंगे और इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक में दे दिया है जहां पे मैंने आपको ये बताया है कि आप किस तरह से इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर सकते हैं और इसके अंदर मैंने दो लेक्चर जो है वो कंसाइसली वहां पर डिस्क्राइब किए हैं जिसके अंदर निकल प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग के ऊपर बात की है सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन को मिक्स होने से रोकने का काम जो है वो सॉल्ट ब्रिज का होता है अगर एनहांस करना होगा तो सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे क्यों तो ऑप्शन बी तो गलत है प्रो ये भी नहीं हो सकता नन ऑफ दीज तो है ही नहीं गैलवानिक सेल क्या है गैलवानिक सेल इरिवर्सिबल है बिल्कुल हाँ इसे हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं प्राइमरी सेल है जी हाँ ये प्राइमरी सेल होता है ऑप्शन बी भी करेक्ट है इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये बात भी सही है जी बिल्कुल यूज होता है कैलकुलेटर्स में, में हम फ्लैश लाइट uh, के अंदर यूज करते हैं कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं क्लॉक्स के अंदर यूज करते हैं चाहे वो हमारी वॉल क्लॉक हो या हमारी जो है वो रिस्ट वॉच हो दोनों में ही हम ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हैं सो ऑल ऑफ दर ट्रू